हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरी डिटेल से बताऊँगा कि किस कोर्स की कितनी फीस है और कितना टाइम रहने वाला है, तो कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं और क्या क्या स्ट्रीम रहने वाला है, यानी कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो चलिए, जिस कोर्स के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ, मैं यहाँ पर बीटेक की बात करने जा रहा हूँ। तो बीटेक यहाँ पर कितनी फीस है, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटेक की बात करते हैं। यहाँ पर जो लोग बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक की यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो फीस रखी है वो यहाँ पर 50,000 रुपये रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा और सेकंड ईयर में 50,000 रुपये। भाई सेम चार्ज आपको फोर ईयर तक रखा गया है, यानी कि 4 साल के अंदर आपको जो 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट रहने वाला है आपका 4 साल का लगभग 2 लाख रुपये। तो यहाँ पर लगभग 2 लाख रुपये पे करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आपका 2 साल का रहने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 50,000 रुपये रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सेम चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर आपको 2 साल के अंदर जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको 1 लाख रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपये पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से बीए करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कर सकते हैं। बीए की यहाँ पर जो फीस रखी है वो लगभग 2,800 रुपये रखी है, यानी कि बीए के अंदर आपको लगभग पर ईयर इसी तरीके से चार्ज रहने वाला है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रखी गई है बीए की 8,400 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर 13 स्ट्रीम मिल जाते हैं आपको। जो लोग बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी कर सकते हैं। बीएससी की यहाँ पर 4,500 रुपये फीस रखी है। वही सेम चार्ज आपको थर्ड ईयर में रहने वाला है। तो और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा 13,500 रुपये और आपको यहाँ पर 6 स्ट्रीम मिल जाते हैं। जो लोग बीएड करना चाहते हैं तो ध्यान से समझिएगा, बीएड करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड करना चाहते हैं तो बीएड कर सकते हैं। यहाँ पर बीएड की जो चार्जिंग अमाउंट रखी है वो फर्स्ट ईयर में 60,000 रुपये रखी है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा और सेकेंड ईयर में 40,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ये कोर्स 2 साल का रहेगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रखा गया वो लगभग 1 लाख रुपये रखा गया, यानी कि आपको 2 साल के अंदर 1 लाख रुपये पे करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग BELED करना चाहते हैं, तो यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है आपका, 4 साल का कोर्स रहने वाला है और यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 50,000 रुपये रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा और सेकेंड ईयर में 45, थर्ड ईयर में सेम चार्ज रहेगा वही सेम 4 में। तो यहाँ पर आपको 4 साल के अंदर जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,85,000 रुपये, यानी कि 4 साल के अंदर आपको 1,85,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रखा गया 2,800 रुपये, सेकेंड ईयर 2,800 रुपये, वही सेम चार्ज आपका थर्ड ईयर। तो यहाँ पर 3 साल का BSW का जो टोटल अमाउंट बनता है 8,400 रुपये। यहाँ पर समझिए कि आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपका 3 साल का रहेगा और 3 साल की जो फीस रहने वाली है लगभग 30,000 रुपये रहेगी, यानी कि पर ईयर आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग बीबीए करना चाहते हैं तो बीबीए कर सकते हैं। बीबीए की यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो फीस रखी है वो यहाँ पर 20,000 रुपये रखी है और सेकंड ईयर की भी सेम वही सेम थर्ड ईयर की। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहने वाली है आपके लगभग 3 साल की 60,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग बीकॉम करना चाहते हैं बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम की जो फर्स्ट ईयर की चार्ज रखी है 4,000 रुपये, सेकेंड ईयर के 4,000 रुपये, थर्ड ईयर के 4,000 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट 3 साल का होने वाला है 12,000 रुपये। जो लोग LLB करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ लॉ तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 17,000 रुपये, सेकेंड ईयर 17, थर्ड ईयर 17। तो यहाँ पर 3 साल के अंदर जो टोटल अमाउंट लगने वाला है लगभग 51,000 रुपये रहेगा, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 51,000 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, BA और LLB दोनों एक साथ कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, यानी कि BA और LLB आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 साल का कोर्स रहने वाला है और यहाँ पर पर ईयर आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 साल के अंदर जो टोटल अमाउंट रहने वाला है 1 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये 5 साल के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि आपके दोनों कोर्स हो जाएंगे कम्प्लीट 1 साथ 5 साल के अंदर। जो लोग BCA करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
तो BCA कर सकते हैं। BCA की यहाँ पर जो फीस रखी गई फर्स्ट ईयर 24,000 रुपये रखी गई और सेकेंड ईयर भी सेम, थर्ड ईयर में भी सेम। तो यहाँ पर 3 साल का कोर्स रहने वाला है, तो 3 साल के अंदर आपको 72,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 72,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन यानी कि BJMC जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रखा गया 10,000 रुपये, तो यहाँ पर सेकंड ईयर 10,000 रुपये, थर्ड ईयर 10,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 30,000 रुपये। तो यानी कि 3 साल के अंदर आपको 30,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग BPA यानी कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर 3,000 रुपये, वही सेम चार्ज आपको 3 ईयर तक, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा 9,000 रुपये। जो लोग BTC यानी कि बेसिक टीचर कोर्स, यानी कि जो लोग ये कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रखा गया 41,000 रुपये रखा गया, और सेकंड ईयर का भी 41,000 रुपये, यानी कि ये कोर्स आपका 2 साल का रहने वाला है। तो यहाँ पर 2 साल के अंदर आपको 82,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है टीचर के लिए। जो लोग मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि MA करना चाहते हैं, MA कर सकते हैं। तो MA का जो चार्ज फर्स्ट ईयर रखा गया 7,000 रुपये, सेकेंड ईयर का भी सेम है। तो यहाँ पर 14,000 रुपये में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर 12 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, MSc करना चाहते हैं, MSc भी सेम चार्ज आपका 17,000 रुपये, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा आपका 34,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, जो लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 54,500 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ईयर 54,500 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,09,000 रुपये, यानी कि 1,09,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक स्ट्रीम मिलेगा इसके अंदर। जो लोग मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की चार्ज रखी गई वो यहाँ पर 15,000 रुपये रखी गई है, और सेकंड ईयर के 15,000 रुपये, यानी कि जो टोटल अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पर 30,000 रुपये रखा गया है, और ये कोर्स आपका 2 साल का रहेगा। तो यहाँ पर 30,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से कम कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी कि MSW, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 20,000 रुपये, और सेकंड ईयर का 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 2 साल के अंदर आपको 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो यहाँ पर 40,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग MCOM करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो MCOM कर सकते हैं। MCOM की यहाँ पर जो फीस रखी गई वो यहाँ पर 10,000 रुपये रखी गई, और सेकंड ईयर की 10,000 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 20,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग मास्टर ऑफ लॉ यानी कि LLM करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 50,000, और सेकंड ईयर का भी 50,000 है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहने वाला है 2 साल का लगभग 1,00,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो लोग ये MCA करना चाहते हैं MCA कर सकते हैं। MCA आपकी 3 साल की रहने वाली है, और आपका जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 35,000 रुपये, वही सेम चार्ज आपको 3 ईयर तक पे करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल के अंदर आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा आपका 1,05,000 रुपये, यानी कि 1,05,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। MCA आप कर सकते हैं। MJMC यानी कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, ये कोर्स आपका 2 साल का रहेगा। तो पर ईयर आपको 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा आपका 24,000 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मास्टर ऑफ म्यूज़िक, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपका 2 साल का रहेगा। तो पर ईयर आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेकंड ईयर में भी 10,000 रुपये, तो ये लगभग आपका टोटल अमाउंट 20,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स PhD, जो लोग PhD करना चाहते हैं PhD कर सकते हैं। PhD के यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है वो यहाँ पर 55,000 रुपये रखा गया है, और सेकंड ईयर का 80,000 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहता है आपका 2 साल का, यानी कि PhD का जो 2 साल का चार्ज रहेगा आपका 1,35,000 रुपये, यानी कि आपके 2 साल के अंदर जो भी चार्जिंग अमाउंट है वो लगभग 1,35,000 रुपये रहने वाला है। तो लगभग 1,35,000 रुपये में कम्प्लीट हो जाएगा। जो लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रखा गया है 40,000 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 रुपये, सेकेंड ईयर में भी 40,000 रुपये। तो यहाँ पर 2 साल का कोर्स रहेगा, तो 2 साल के अंदर आपका जो टोटल अमाउंट बनता है 80,000 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर 80,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर 8 स्ट्रीम अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स ये कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा आपका 1 साल का ही कोर्स रहेगा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और 10,000 रुपये में कम्प्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 5 स्ट्रीम मिल जाते हैं। जो लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली, जो लोग सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहते हैं टैली साइड से, तो कर सकते हैं। 2,500 रुपये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 6 महीने का रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों अपने अपने ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी आपके यार दोस्त है, स्कूल के फ्रेंड या फिर कॉलेज के फ्रेंड, तो अगर वो कोर्स करना चाहते हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरी मेहनत सफल होगी। कि मैं चाहता हूं कि हर किसी को इस तरीके की जानकारी हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।